हेलो दोस्तों, मैं हूं कास्ती परमा, हिंदी वॉइस नोट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश, 11 ब्राह्मणों को शिक्षा और महावीर स्वामी का निर्वाण की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश। देखिए, स्थान था राजगिरी, नदी था वाराकार, पर्वत था वितुलाचल और प्रथम शिष्य था जिन्होंने महावीर स्वामी से प्रथम उपदेश ग्रहण किया था, उनका नाम था जमाली। यह महावीर स्वामी के भांजा थे और आगे जाकर वह उनके दामाद भी बनते हैं और आने वाले समय में यही महावीर स्वामी के खिलाफ विद्रोह करते हैं और प्रथम विद्रोही भी यही बनते हैं, जमाली, जो कि प्रथम शिष्य हैं महावीर स्वामी के और उनके भांजा हैं। आगे जाकर उनके दामाद भी बनते हैं और उनके बाद ये प्रथम विद्रोही भी बनते हैं, अर्थात महावीर स्वामी के खिलाफ प्रथम विद्रोह जमाली के द्वारा किया गया था जो कि उनके दामाद व भांजा है। देखिए, प्रथम उपदेश, स्थान था राजगिरी में वितुलाचल पर्वत पर वकारा नदी के किनारे जमाली ने महावीर स्वामी से प्रथम उपदेश ग्रहण किया था। उसके बाद देखते हैं प्रथम शिष्य। देखिए, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्य का नाम था चंदना। यह ददिवाहन की पुत्री थी, ददिवाहन जो कि शासक थे चंपा के शासक ददिवाहन की पुत्री चंदना यह महावीर स्वामी की प्रथम शिष्य थी और आगे जाकर यह महिला संघ की अध्यक्ष भी बनती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 11 ब्राह्मणों को शिक्षा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 11 ब्राह्मण और महावीर स्वामी के बीच शास्त्र का मुकाबला होता है जिसमें महावीर स्वामी जीतते हैं। उसके बाद महावीर स्वामी इन 11 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। देखिए, सबसे पहले 11 ब्राह्मण और महावीर स्वामी के बीच शास्त्र का मुकाबला होता है, इसमें महावीर स्वामी जीतते हैं। उसके बाद महावीर स्वामी इन 11 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं और इन्हीं 11 ब्राह्मणों को कहा गया है गणधर। 11 ब्राह्मणों को महावीर स्वामी के द्वारा शिक्षा दिया गया और इन्हीं 11 ब्राह्मणों को आगे जाकर कहा गया गणधर। गणधर जैन धर्म की प्रचलित एकमात्र उपाधि है। देखिए, इन्हीं 11 ब्राह्मणों के द्वारा संघ का निर्माण किया जाता है। इन्हीं गणधर में से प्रथम गणधर थे सुधर्मन इंद्रभूति गौतम और यह आगे जाकर महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात संघ का अध्यक्ष बनते हैं। देखिए, महावीर स्वामी ने सरल एवं आडंबरहीन धर्म दिया था। महावीर स्वामी ने कर्म कांड, पुनर्जन्म आदि की सरल व्याख्या की थी। महावीर स्वामी ने सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया था। और एक चीज और मैं बताना भूल गया था इससे पहले वाले पार्ट में, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। देखिए, उसके बाद देखते हैं महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति। देखिए, जैन धर्म में मृत्यु को प्राप्त होना को निर्वाण कहा गया है। देखिए, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था 468 BC में। स्थान था पावापुरी राजगिरी बिहार। दिन था कार्तिक अमावस्या। जिस समय महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुआ था उस समय महावीर स्वामी का आयु था 72 वर्ष। देखिए, 468 BC में पावापुरी राजगिरी में महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या के दिन 72 वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। तो इस पार्ट में हम लोगों ने महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश, 11 ब्राह्मणों को शिक्षा और महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति के बारे में पढ़ा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वॉइस नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।